नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भिलवाड़ा लोकवाणी में। भारत में बढ़ते पेट्रोल के दामों को लेकर आज भिलवाड़ा जिला कांग्रेस द्वारा पूरे जिले भर में विरोध प्रदर्शन किया गया। इसी को लेकर भिलवाड़ा शहर में भी विरोध प्रदर्शन हुआ, जहां पर कई कांग्रेसी एक साथ नजर आए और कोई सोशल डिस्टेंसिंग उनमें नजर नहीं आई, यानी सीधे तौर पर कोविड-19 की गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ते हुए दिखी। इस मामले को लेकर कांग्रेस पदाधिकारियों एवं नेताओं ने कहा कि वह केंद्र सरकार द्वारा जिस तरह से किसान विरोधी होते हुए पेट्रोल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, वह उसका विरोध करते हैं। इसके अलावा उन्होंने आज राजेश पायलट को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब हाल ही में देश दूसरी वेव से संकट से उभरा है और तीसरी वेव की आशंका जताई जा रही है, वहां पर विरोध प्रदर्शन के नाम पर जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज भीड़ इकट्ठा करती हैं और कोविड-19 की उल्लंघन करती हैं, ऐसे में इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए भिलवाड़ा लोकवाणी के लिए पुनीत चपलोत और विशाल पंडित की ये रिपोर्ट। आज यहाँ जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक अध्यक्षों के माध्यम, सभी अग्रणी संगठनों के माध्यम से, पार्षदों के माध्यम से यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें पेट्रोल के भाव आसमान को छू रहे हैं। इसके लिए आज जनता इतनी त्रस्त हो रही है, घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। इसके लिए आज पूरे हमारे राज्य सरकार के आह्वान पर यह प्रदर्शन किया गया और धरना प्रदर्शन करके यह ज्ञापन हमारे राष्ट्रपति के नाम सौंपा जाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने जो रेटें बढ़ाई है और जो हमारे मोदी जी ने जो किसान विरोधी सरकार के रूप में काम कर रही है, उसके लिए आज हम सब ने मिलकर के ये प्रदर्शन किया है। आज हमारे राजेश जी पायलट साहब की भी पुण्य तिथि है, उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं इस मौके पर। लेकिन वो एक किसान के नेता थे और मोदी साहब किसान विरोधी नेता है। आज जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, जैसा कि देखने में आ रहा है कि कहीं भी कोविड गाइडलाइन की कोई पालना नहीं की जा रही, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कोविड-19 की पालना की, लेकिन अभी खड़े हो गए, बाकी दूरी पे बैठे थे, कुर्सी पे बैठे थे, कुछ लोग अब जनता आ जाती तो उसमें थोड़ा बहुत, बाकी कोविड-19 सबने मास्क लगा रखे हैं, किसी ने मास्क नहीं लगाया। डिस्टेंसिंग भी जरूरी है, डिस्टेंसिंग बस अभी 1 घंटे, इसलिए हमने बहुत शॉर्ट टाइम रखा। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशों से जिला कांग्रेस कमेटी, सभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने आज पेट्रोल पंपों पर धरना दिया। केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण पेट्रोल और डीजल की जो वृद्धि हुई है, उससे महंगाई बढ़ रही है। इसलिए आज ये धरना इस बात का है कि महंगाई को कम किया जाए, ताकि पेट्रोल डीजल के अगर दाम कम होंगे तो महंगाई भी कम होगी। तो राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार आज इस धरना सफल सम्पन्न हुआ, और इसके साथ साथ ही अगर ऐसा नहीं हुआ, पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं हुए, तो कांग्रेस कमेटी अपना समय समय पर जन आंदोलन जारी रखेगी। Stay updated always with Bhilwara Lokwani News app. हम लाते हैं ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए हर दिन। कभी भी कहीं भी देखें ताजा खबरें आपके मोबाइल पर। देखें न्यूज वीडियोस किसी भी टाइम।